दोस्तों जिमें आख्या जाता कि यह साड़ी धरती गोल है तो इस दे उते एक थां तो किसी भी दिशा में लगातार चलिया जाए तो कोई भी व्यक्ति वापस उस ही थां ते पहुँच जाता है। इस तरीके जो साड़ा इतिहास है, इस धरती का इतिहास है, साड़े देश का इतिहास है, वह भी अपने आप को दोहरा है, जां इउं कह लिए कि जिथों इतिहास चलता है उत्थे ही मुड़ के आ जाता है। तो वह समा शायद आ चुका है कि साड़े देश की जो सभ्याचार है, साड़े देश की संस्कृति है, वह मुड़ तो रीस्टोर होना शुरू हो चुकी है। गल करिए कोरोना काल की, तो जिथे सारे संसार विच लॉकडाउन होने के कारण कुदरत ने अपने आप को रीस्टोर किया है। साढ़े कुदरत के जो साधन ने, जो कुदरत की विरासत है, साड़ी हवा है, पौन पानी है, वो बहुत व्डे पद्धर से सुधार नज़र आ रहा है। उस तरीके साढ़े देश के दे जो सभ्याचार है वो भी बहुत सारिया तब्दीलियां देखने मिल रही ने। जिथे केंद्र की सरकार ने धारा 370 हटाने सफलता हासिल की है, तो होर बहुत सारिया जिड़े कि पेचीदा मामले से जो समझा जा रहा है कि इन्हों का कोई हल नहीं है, उन्होंने मामलों का भी हल जो क्ढन की कोशिश की है। पर जो मामला अज असी तुहाडे नाल उठाण जा रहे हैं, जो तुहाडे नाल सांझा करन जा रहे हैं, वह है साडियां जिहड़ियां इत्थों दी कुदरती विरासती जिहड़ियां चीज़ां सीगियां, साडियां कला दीआं जो नमूने सीगे, इस देश दे पुराने सभ्यता दे साडे जो निशान सीगे, उहनां निशानां नूं जाते मिटाउण दी कोशिश कीती गई। जिवें पता कि जिन्ने हमलावर आउंदे रहे उन्होंने साडे मंदर, साडे धार्मिक स्थान ढाउण दी कोशिश की है, तो पंजाब वासी इस गल नूं चंगी तरह जाणदे आ कि हरिमंदर साहिब नूं किन्नी वारी ढाया गया, मरिया मेट करने की कोशिश की गई, इनू खत्म करने की कोशिश की, ता कि इत्थे कोई आके अपनी धार्मिक मर्यादा ना निभा सके और उदे तो जिहड़ी इन्हां नूं ऊर्जा मिलती है लोगों अपनी विरासत नूं संभालण दी, वह ना मिल सके। तो अजिहे इसे तर्ज के उत्ते पूरे देश भर के विच बहुत सारे साडे मंदिर ते होर जिहड़ी विरासती इमारतां सी उन्हां नूं ढा के, जां तां जिहड़े विदेशी हमलावर आए सी उन्होंने उन्हां दे उत्ते अपनी मोहर लगा ली, जां उन्हां नूं बिल्कुल खत्म करके उहदे उत्ते अपने संस्कृति अपने सभ्याचार के जिहड़े निशान कढ लए, नहीं तां उन्हां नूं इस ढंग नाल मोडीफाई कर दिता गया, उस इस तरह तब्दीलियां कर दित्तियां गईयां कि वह लगे कि यह उन्होंने अपनी बनाई हुई विरासत है। जिहदे सब तो भाखवी मिसाल है दिल्ली की कुतुब मीनार। जी हाँ, कुतुब मीनार का एक अजिहा वीडियो सामने आया है, असी ये नहीं जानते कि वो किहड़े वीर ने जिन्होंने ये जिहड़े निशान कढ़े ने, जिन्होंने वो गल की है, जिन्होंने इस वीडियो तैयार किया है, पर असी इन्नी गल जरूर जानते हैं कि जिन्हां पॉइंट्स के वाल, जिन्हां बिंदुओं के वाल वो ध्यान द्वारे ने, ये सचमुच साडे ध्यान देण योग ने और इहदे उत्ते सानू सारे नूं समझ आनी चाहिए है कि साडे नाल किस तरह समय समय से आने वाले हमलावरां ने खिलवाड़ किया। तो इत्थे ये भी सवाल पैदा होंदा है कि बड़े बड़े फैसले करने वाली जिहड़ी सरकार है मौजूदा, मोदी जी और अमित शाह जी की अगवाई हेठली सरकार है, कि जिहड़े इस तरह के मामले आउंदे ने कि इहनां उत्ते भी वो कोई कार्रवाई करन दी समर्थ होवेगी जां नवीं होवेगी। ये एक आने वाले समय से देखने वाली गल होएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती होएगी, क्योंकि जिवें आप देखते हैं कि अयोध्या श्री राम मंदिर का जो मामला है, बड़े लंबी अदालत की जिहड़ी प्रक्रिया है उहदे विच लंघण तो बाद बनाउण विच कामयाबी जिहड़ी आ उह मिलदी नज़र आ रही है, तो उहदे उत्ते विच भी अड़चना पाउण दी कोशिश की जा रही है। अपने देश के लोग ने जिहड़े कि सो कॉल्ड सैकूलर, आप जिन्हां नूं कह सकते हैं जिहड़े कि अखौती सैकूलर लोग ने, उन्हां लोगों का मकसद ये है वो किसी ना किसी तरीके जो विदेशी हमलावरां दीआं जिहड़ियां सानूं चीज़ां दित्तियां ने उहनां नूं ही प्रमोट करते हैं और इत्थों दे कल्चर नूं वह खत्म करन दी जिहड़ी कोशिश करते हैं, वह अड़गे जरूर डाउंदे ने, वह इस मामले विच भी डंगे डाउणगे, पर यह जो मामला लैके आंदा है वीर ने, असीं ये तुहाडे जानकारी लई यह वीडियो इस करके शेयर किया है कि यह साडे पंजाब दे हर बच्चे नूं इस गल का पता होना चाहिए कि समय समय से जो विदेशों तो हमलावर आए उन्होंने साड़ी जी संस्कृति है, साड़ा सभ्याचार है, उदे विच किस किस ढंग तरीक जो खिलवाड़ किया, किमें साड़ी जी सभ्यता खत्म करने की कोशिश की है। तो आओ इस तो आप जाणू होइए और सरकार तो मंग करिए कि सरकार होर तो फैसले बहुत व्डे कर रहे, असं उसकी शलाघा करते हैं, पर वह अजिहे मामलों में भी हाथ पावे, तो जिन्हें भी है साड़िया विरासती इमारतों ने जिन्हों बाहरों आए हमलावरों ने तोड़ भन के या तो मिट्टी च मिलाता उन्होंने सुरजीत किया जाए, जा जड़िया इस तरह मोडीफाई करके जिन्हों के उत्ते उन्होंने अपन चेपियां ला लिया, अपने बैनर लगा ले ते अपने ट्रेडमार्क लगा ले ते उन्होंने दोबारा तो उन्होंने जी सच्चाई है वो साडे समाज में दसी जाए और जी इतों की महान विरासत है साड़ी वो तो सारे बच्चे बच्चे जाणू कराया जाए। ये आओ आप देखते हैं ये वीडियो जिस पॉइंट उठाए गए हैं और इनू बद तो बद शेयर कर देना, इनू लाइक जरूर कर देना, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे से तीसरी झालर में देखिए घंटियां बनी हुई।
इस्लाम में घंटियों का क्या औचित्य है? कोई बताए, कोई तो बताए। फिर फूल पत्तियां, फूल पत्तियां इस्लामिक आर्किटेक्चर में मुगल काल से इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले केवल ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते थे। छिपकली कैप्चर करो, छिपकली झरेली कर, नहीं स्पेशल हुआ। फिर से बोले, क्लियर करो। ये सब तोड़ दी गई है यहाँ से, ये जो भी स्कल्पचर था उसको हटा दिया गया। क्लियर ना रहा, इधर पिक्चर दिखाओ, ये एकदम क्लियर, ये दिखाओ ना, हाँ एकदम क्लियर है कि कोई आर्किटेक्चर था। आप ये पैर देख सकते हैं इजीली, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बुत परस्ती मना है इस्लाम में। ये देखो यहाँ गणेश की ये मूर्ति, हाँ देखिए, एक इस्लामिक बिल्डिंग में गणेश जी क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ गए? यही सब सवाल है जो सरकारों ने हमसे छुपा के रखे। पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, भारत की जनता से सच छुपाया गया। सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश का बहुत नुकसान हुआ, उसी में से एक उत्तम उदाहरण है। आओ, देखिए इस आर्किटेक्चर को गौर से देखिए, एकदम घोड़े का आकार है। किसी भी इस्लामिक बिल्डिंग में किसी का भी बुत नहीं बनता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर है तो सवाल उठेंगे कि कुतुब मीनार है या कुछ और, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था या पहले से बना हुआ कुछ, कोई इमारत जिस पर कब्जा कर लिया गया और भारत की जनता को एक झूठ से ढक दिया गया। मेरे चेहरा मत दिखना, ऑन करो, ऑन करो, ऑन है। इधर ये वाला पिलर दिखा, देखिए किसी तपस्वी का आप क्लियर इंडिकेशन देख सकते हैं। किसी भी भारत में क्या, पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामिक बिल्डिंग में किसी का भी बुत आपको नहीं मिलेगा, किसी का भी स्टैचू आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। इधर दिखाओ, राइट साइड वो देखो, एक और आप देख सकते हैं, देखो देखने में एक ह्यूमन बॉडी का फिगर लग रहा है जिससे चार हाथ, पता नहीं इस्लाम में चार हाथ होते हैं, हाँ बाकी वो तो नहीं पता है, लेकिन हिंदू धर्म में चार हाथ होते हैं। सारे लोग आगे बढ़ते हैं, ये पिलर, सामने ये एक पिलर आप देख रहे हैं, इसमें भी एक स्टैचू है। इस स्टैचू का जो रिजेम्बलेंस है बिटवीन 2 to 5th century AD के आसपास, उसमें जो जैसे स्कल्पचर जैसे स्टैचूज मिले हैं उससे मिलते जुलते हैं काफी। देखिए ये एक पिलर है जिसमें पिलर के जो टॉप्स हैं, इस्लाम में किसी भी बिल्डिंग में जो आप पिलर्स मिलेंगे तो उनका जो टॉप है ऐसे काप कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये देखिए कुछ कार्विंग्स को तोड़ दिया गया है, इंटेंशनली चेहरे डिमोलिश कर दिए गए, हटा दिए गए ताकि कोई भी पिक्चर क्लियर ना रहे। सिर्फ एक नहीं, देखिए कितने सारे, हमें ये चीजें नहीं बताई गई ना पढ़ाई गई, देख रहे हैं, एक नहीं, ऑलमोस्ट सारे पिलर्स का यही हाल है। ऊपर जितनी भी ये कार्विंग्स हैं सबका फेस डिमोलिश है, हर जगह का यही हाल है। और यही नहीं, आप छत देखिए, ये जो छत देख रहे हैं ये बात की बनी हुई है, क्यों बनी है, देयर अ रीजन, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है जो छुपा लिया गया, इसके ऊपर ये है जो आपसे हमसे इस देश की जनता से छुपा लिया गया, दिख रहा है। इसमें जो आर्किटेक्चर दिख रहा है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस्लामिक बिल्डिंग
कभी नहीं था। जैसा आर्किटेक्चर वहाँ मिल रहा है और जैसी कार्विंग्स दिख रही हैं वो केवल हिंदू टेम्पल्स एंशियंट इंडियन बिल्डिंग्स उन्हीं में थी। इस्लाम का हिस्सा कभी नहीं थी, न कभी है और न कभी हो सकता है। पहले के लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आजादी के बाद देश की सरकार ने ये चीजें जनता के सामने क्यों नहीं रखी। देखिए पूरा ये देख रहे हैं मंदिर, ये पिलर देखिए, ये उल्टा कमल है, ये पत्तियां उसका, ये नीचे का पोर्शन है उसका। सिर्फ यही नहीं, आप जो हमारा नेशनल एम्बलम है जिसमें चार शेर होते हैं, उस उन शेरों के नीचे दिखेगा वो जिस प्लेटफॉर्म पर उनको रखा गया है वो भी एक उल्टा कमल है। सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह जो हिंदू बिल्डिंग्स मिलेंगी, जो बौद्ध बिल्डिंग्स मिलेंगी उनमें आपको यही मिलेगा।